नमस्कार, पत्रिका के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। कोरोना संकट और लॉकडाउन की परेशानियों के बीच राहत भरी खबर आई है। सरकार ने घरेलू सिलेंडर के दाम 164 रुपए घटा दिए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब गैस का सिलेंडर लगभग 588 रुपए में मिलेगा। 1 मई से ही नई दरें लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 5 कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने के बाद अब बाकी विभागों के मंत्री भी जल्द शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्यपाल लालजी टंडन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। समझा जा रहा है कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। ये विस्तार 4 से 6 मई के बीच हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट से मध्य प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल हुए हैं, जबकि 19 जिले ऑरेंज जोन में हैं, तो वहीं सिर्फ 9 जिले ही रेड जोन में शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2687 पर पहुंच गया है। इंदौर में सबसे अधिक 1513 मरीज है, जबकि भोपाल में ये आंकड़ा 500 पर पहुंच गया है। अब तक 140 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,043 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1823 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1147 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 67 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में हुई है। अच्छी बात यह है कि अब तक 8,889 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि एक्टिव केस का आंकड़ा 25,007 पर है। मध्य प्रदेश में आज 30% मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए दफ्तर खुल गई हैं। सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज भी शुरू हो गया है। उसके लिए सभी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। पत्रिका की अपील है कि आप भी अपने परिवार के साथ घरों में रहें और स्वस्थ रहें।